hey krishna hare krishna hey krishna hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna तो आज का स्वागत है आज इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों की चर्चा में तो अभी तक हम लोग चर्चा किए एक्सपर्ट सोलह गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं भगवान कृष्ण एक्सपर्ट हैं। उसके पहले क्लेवर और आर्टिस्टिक और उसके भी पहले जीनियस इन चार गुणों के बारे में आज तक अभी आज हमने चर्चा किया अब आगे नेक्स्ट जो एक दिव्य गुण है वो क्या है ग्रेटफुल ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है एनी पर्सन हु इज कॉन्शियस ऑफ हिज फ्रेंड्स बेनिफिशिएंट एक्टिविटीज एंड नेवर फॉरगेट्स हिज सर्विस इज कॉल्ड ग्रेटफुल जो व्यक्ति अपने मित्र बंधुओं के द्वारा जो उपकार किए जाते हैं उनको कभी भूलता नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ग्रेटफुल या कृतज्ञ बोला जाता है कृतज्ञ और इस ग्रेटफुलनेस का उल्टा अनग्रेटफुलनेस होता है यानी कृतघ्नता <coughs> महाभारत कृष्ण सेज व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम द्रौपदी क्राइड विथ द वर्ड्स हे गोविंदा दिस कॉल फॉर मी हैज पुट मी इन हर डेट

आप संसार में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है किसी के लिए आप कितना करिए वो उसको नहीं देखेगा उसको काउंट नहीं करेगा आपने क्या नहीं किया उसको काउंट करेगा ये स्वभाव है संसार का चाहे कोई भी हो चाहे पति पत्नी हो बच्चे हो माँ बाप हो समाज में जो है नेता हो जनता हो कोई भी हो हर, हर कोई इसी तरह से काउंट करता है टीचर हो स्टूडेंट हो सब कुछ टीचर भी स्टूडेंट को चेस्टाइज करते हैं बोलते तुमने ये अच्छे से नहीं किया ये अच्छे से नहीं किया अरे जो किया है वो तो देखो ये ठीक है टीचर का तुम आप बेकार रहे करेक्शन देना है आगे बढ़ाना है <laughs> वैसे ही घर में भी बच्चे हमेशा माँ बाप आप को बोलते हैं आपने हमारे लिए ये लाके नहीं दिया ये नहीं किया वो नहीं किया अरे इतने तुमको पालन पोषण करते हैं तुमको पढ़ाते लिखाते हैं तबीयत खराब होती है तो तुमको दवाई दिलाते हैं वो सब काउंट नहीं करोगे हाँ ऐसे ही पत्नी होती है पति को बोले कि पूरा पति पूरा अपना जीवन दे देता है पत्नी और बच्चों की सेवा करने के लिए लेकिन लास्ट में फिर भी क्या सुनने को बोल मिलता है कि आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है यही सुनने को मिलता है, और है। ऐसे पति भी सुनाते हैं ऐसे माँ बाप भी बच्चों को बच्चे भी माँ बाप के तो यही संसार का ऐसा स्वभाव है कि करने पे भी लोग उसको काउंट नहीं करते हैं जानते नहीं स्वीकार नहीं कर पाते एक्सेप्ट नहीं कर पाते भगवान कृष्ण कितने ग्रेटफुल हैं सोचिए भगवान की महानता देखिए कि भगवान के प्रति कोई सेवा नहीं भी किया है ना अगर भगवान का के केवल नाम ले लेता है तो भगवान बड़े कृतज्ञ फील करते हैं भगवान के हृदय में ऋण बढ़ता चला जाता है द्रौपदी के प्रसंग में भगवान महाभारत में बोल रहे हैं कि जैसे द्रौपदी ने बोला हे hey, गोविंदा तो केवल इतना बोलने मात्र से मेरा जो ऋण है द्रौपदी के प्रति बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन हर क्षण बढ़ता जा रहा है मेरे हृदय में ये ऋण और इसी ऋण को चुकाने के लिए भगवान को मजबूरन द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर जाना पड़ गया इसलिए भगवान बहुत ऋणी अपने आप को महसूस करते हैं जो भी भक्त भगवान के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है तो आप सोचिए भगवान का नाम मात्र उच्चारण करने से भी भगवान इतना ऋणी महसूस करते हैं तो अगर वो भक्त भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगा तो भगवान कितना उसके लिए ऋणी महसूस करेंगे कितना भगवान तत्पर हो जाएंगे उस भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो ये जो ऋण महसूस होता है भगवान के हृदय में यही उनको फोर्स करता है ऐसे भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसलिए ये ग्रेटफुलनेस का जो गुण है कृतज्ञता का गुण है ये भगवान में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और भगवान गीता में भी बोलते हैं उदारा सर्वेते ही ये सर्व चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन चार प्रकार के लोग मेरा मेरे पास आते हैं अर्जुन आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी चरतर्सभा आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी और क्या है जिज्ञासु हाँ चरतर्सभा आर्थो मतलब जो दुखी है पीड़ित है अर्थार्थी मतलब जिसको धन संपत्ति चाहिए जिज्ञासु जिसके पास जिज्ञासा है ज्ञानी मतलब जो जानता है कृष्ण परम भगवान चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं भगवान बोलते हैं चारों जो हैं उदार हैं भगवान ग्रेटफुलनेस महसूस करते हैं आभार भगवान के हृदय में आता है जो भी भगवान का दर्शन करने आता है तो वो किस भी भाव से आया हो भगवान सोचते हैं मेरे पास आया है ये कितना उदार व्यक्ति है और इस प्रकार से भगवान ऋणी महसूस करने लग जाते हैं और यही गुण ना भक्तों में भी वो होता है भक्तों में भी पाया जाता है शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं शुद्ध भक्तों में यही गुण पाया जाता है कि कोई व्यक्ति उनको जस्ट अप्रोच करता है तो भक्तों को वो शुद्ध भक्त को लगता है कि ये इस इस प्रकार से आया है तो इसको मुझे कुछ मदद करना चाहिए कुछ देना चाहिए तो कुछ न कुछ देने की उनकी इच्छा बनी रहती है भगवान भी इसी प्रकार से कुछ ना कुछ कृपा देना चाहते हैं द महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे Is also simply an address to the Lord and His energy. So, to anyone who is constantly engaged in addressing the Lord and His energy, we can imagine how much the Supreme Lord is obliged. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. It is clearly stated in this verse that anyone who addresses the Lord immediately attracts the attention of the Lord, who always remains obliged to Him. जब करते रहते हैं भगवान को इस प्रकार से एड्रेस करते हैं एड्रेस करते हैं मतलब पुकारते हैं भगवान को हे कृष्णा हे श्रीमती राधा रानी हरे कृष्णा मतलब हे कृष्णा हे राधा रानी ये मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसे जो एड्रेस करता है निरंतर तो भगवान इतना आभार महसूस करते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड टू एवर सच अ डिवोटी ऐसे भक्त को कभी भी भूल पाना भगवान के लिए असंभव हो जाता है भगवान कभी भूल नहीं सकते हैं और भगवान हमेशा अपने आप को ओबलाइज यानी अपने आप को आभारी महसूस करते रहते हैं हृदय में ऐसे भक्त के लिए अरे भगवान खुद बोलते हैं आदि पुराण में अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जो भी व्यक्ति मेरा एक बार भी नाम ले लेता है तो मैं उसको हमेशा स्मरण करता हूँ उसको मैं अपने हमेशा हृदय में रख लेता हूँ और फिर मैं पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ उसका भला करने के लिए वो हालांकि मेरे को छोड़ छोड़ के भागता है उसको मेरी कोई कदर नहीं होती है वो इस भौतिक संसार के बहुत सारे आसक्ति को बना के रखना चाहता है लेकिन मैं उसको जन्म जन्मांतर बारम्बार उसको प्रयास करता हूँ उसको इस भौतिक जगत से उद्धार करने के लिए ये भगवान का भाव होता है भगवान कभी भूलते नहीं इसलिए भगवान रामचंद्र भी रामायण में ये वरदान देते हैं ये बात बोलते हैं जब विभीषण आश्रय लेने के लिए आए तो भगवान रामचंद्र वहाँ पे विभीषण को आश्रय देने के पश्चात ये डिक्लेयर करते हैं सकृदेव प्रपन्न सकृद एव प्रपन्न अयम याचते याचते तवास्मिते It is my vow, it is my vow that if one, only once seriously surrenders unto me, saying my dear Lord, from this day I am yours and prays to me for courage, I shall immediately award courage to that person. लेकिन एक कंडीशन है प्रपन्न बोला गया है प्रपन्न मतलब सीरियसली सरेंडर बस लिप सर्विस नहीं बाहर से आकर के नहीं बोल रहा है कि हे राम, मैं आपका हूँ लेकिन हृदय में क्या बोल रहा है हे मेरी पत्नी मैं तुम्हारा हूँ हे मेरे बच्चे मैं तुम्हारा हूँ हे मेरे समाज हे मेरी अलग अलग जो वस्तुएं हैं आ, मेरे कुत्ते बिल्ली सब पाल करके जो भी है संसार के वस्तु हैं व्यक्ति हैं हृदय में भावना वो है कि मैं उनका हूँ और इधर बाहर से जो है तिलक लगाया है नाम जप कर रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण मैं आपका हूँ तो भगवान तो क्या हम तो किसी को धोखा दे सकते हैं हम तो बोल सकते हैं कि देखो प्रभु जी मैं तो इतना नाम जप करता हूँ मैं तो केवल कृष्ण का हूँ नहीं कृष्ण तो अंतर वही अवस्थितम वो हृदय में भी बैठे हुए हैं तो हृदय में झांक के देखते हैं जब कोई बाहर से बोलता है कृष्ण मैं आपका हूँ तो कृष्ण बहुत खुश हो जाता अरे वाह ये मेरा है तो जब अंदर से देखते अरे तो कुछ और निकला <laughs> भगवान को सोचिए कितना उदासी होती होगी ना कितने दुखी हो जाते होंगे भगवान हाँ ये ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कई बार लोग जो कुत्ता पालते हैं तो वो लोग कुत्ते को बुलाते हैं तू 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 करके बुलाते हैं तो कुत्ते को लगता है देखो मुझे बुला रहे हैं और आ, मुझे कुछ देगा भी और फिर उसको कुछ खाने का वस्तु दिखाता है और खुद खा लेता है या अपने दोस्त को खिला देता है तो कुत्ते की क्या स्थिति हो जाती है सोचिए ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए लेकिन क्या करें नहीं हंसने वाली बात नहीं है हम लोगों ने भगवान को ऐसे ही बना दिया है वास्तव में जन्म जन्मांतर से भगवान हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं प्रभा जी एक लेक्चर में बोलते हैं प्रभा जी क्या बोलते हैं एक लेक्चर में आ, कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ स्टूल पिट एंड वी हैव कम टू पास स्टूल एंड यूरिन एंड आवर लॉर्ड एंड मास्टर द सुप्रीम लॉर्ड एज सुपर सोल इज वेटिंग फॉर अस कितनी कैसी हम स्थिति को भगवान की ऐसी स्थिति हम कर देते हैं भगवान हमारे साथ हमेशा हर परमात्मा रूप में हर शरीर में हमारे साथ रहते हैं ऐसी आशा है कि अब ये मेरा भजन करेगा अब मेरा भक्त बनेगा मेरे तरफ मुंह मोड़ेगा लेकिन हम है कि सुनने को तैयार ही नहीं हम अपने में ही अपने धुन में लगे रहते हैं माया की धुन में लगे रहते हैं ठीक माफ करिएगा थोड़ा मैं ज्यादा कड़क बोल दिया लेकिन ये एक फैक्ट है कितनी बार हमको भक्त लोग जो है उपदेश देते हैं भक्त लोग समझाते हैं शास्त्र हरे कृष्णा शास्त्रों में बताया जाता है भगवान भी बोलते हैं भक्त लोग भी बोलते हैं और फिर माया देवी भी अलग तरीके से बोलती है सब लोग है चारों तरफ से आप देखेंगे सब लोग एक ही तरफ इंगित करते हैं इंडिकेशन देते हैं कि कृष्ण को समर्पण करिए अभी लेकिन हम है कि हम ही रह जाते हैं हा? हम सुधरते नहीं हैं मतलब सॉरी हम नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं हूं कि मैं सुधरता ही नहीं कितना भी भक्त लोग उपदेश दे दें भगवान उपदेश दे दें दे दे, तो वो तो शास्त्र से देते हैं और फिर माया देवी शस्त्र भी उठाती है माया देवी इतना पिटाई भी करती है लेकिन फिर भी मैं सुधरता नहीं क्यों इसका क्या कारण है क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा जो है आसक्त हो जाते हैं भौतिक संसार में आशा हमारी इतनी बन चुकी है इतनी बन चुकी है कि यहीं से हमको सुख मिलेगा इसलिए हम भगवान को बार-बार भूलते जाते हैं लेकिन भगवान का स्वभाव के ऊपर अगर आप विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गुणों को सुनने मात्र से व्यक्ति के आंखों से धारा बहनी चाहिए लेकिन नहीं बहता है क्यों क्योंकि हमारा हृदय बड़ा कठोर है जैसे कोई माँ बाप होते हैं और बच्चों के लिए स्पेशली मान लीजिए कोई माँ बाप है बहुत गरीब है और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करके उनको अच्छे कपड़े देते हैं खिल खिला खिलाने खाने के लिए देते हैं और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और खूब अच्छे से पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और वो बच्चे फिर उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं लखपति करोड़पति हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं हाँ तो माँ बाप रोते रहते हैं लेकिन उनको एक बार भी ऐसा स्मरण नहीं होता है कि कैसे कैसी स्थिति में हमको हमारे माँ बाप ने पालन पोषण किया है वो चाहते तो गरीब थे तो चाहते तो ऐसे ही साधारण स्कूल में डाल सकते थे ऐसे ही छोड़ सकते थे नहीं भी पढ़ा सकते थे वो भी चाहते तो हमसे भीख मंगवा सकते थे लेकिन इतना सेक्रीफाइस के फिर भी आ, जो है उस व्यक्ति उस उनके जो बच्चों को वो समझ में क्यों नहीं आता है वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो लोग जो है भौतिक जो इंद्र तीप्ति है उसके प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं जानबूझ करके वो लोग ध्यान नहीं देना चाहते हमारी स्थिति कुछ वैसे ही है हम भगवान के कृपा पे विचार नहीं करते हैं देखते नहीं भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं लेकिन भगवान का स्वभाव देखिए संसार के माँ बाप तो फिर भी कुछ हद तक वो पूरा करते हैं लेकिन एक समय के बाद वो भी बोलते ठीक है जाओ छोड़ देते हैं जिसको जैसा करना है करे लेकिन भगवान एक ऐसे माँ बाप है जो किसी जन्म में छोड़ते नहीं है हमेशा जो है तैयार रहते हैं और ऐसा जो भूला भटका हुआ व्यक्ति है जो भगवान को धोखा दे देता है वो एक बार भी अगर आकर के हे गोविंद हे कृष्ण बोल देता है तो भगवान सोचते हैं अरे कितना अपना आभार महसूस करते हैं उनके हृदय में ऋण बढ़ने लग जाता है, अब भगवान बोलते है उदार अते ही गीता में भगवान बोलते ये सब बड़े उधार लोग हैं उधार नहीं है भगवान ये सब उधार लेने के लिए आए हैं आपसे <laughs> ये आए हैं हाथ जोड़ के और क्या बोलने वाले हैं सुख संपत्ति खराब कष्ट मिटे तन का अब बोलेंगे आपके सामने आकर के मेरा जो कुछ है सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण लेकिन एक रुपए भी अर्पण नहीं करेंगे है ना और अपने आप को अर्पण करना तो दूर की बात है नहीं भगवान ये सब जानते हैं हृदय के अंदर भगवान विद्यमान है भगवान देखते हैं हृदय में तो पूरा पूरा कागज है जो जो बोल रहा है ये हृदय में तो ऐसा तो कुछ भाव है नहीं बाहर से बस बोल रहा है लिप सर्विस कर रहा है भगवान क्या करते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं हृदय के अंदर जब बैठे रहते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं बोलते हैं नहीं 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 जो बाहर से बोल रहा है उसी को स्वीकार करते हैं आ, कितना पॉजिटिविटी है ना भगवान में <laughs> इतना पॉजिटिविटी रख करके भगवान ये श्लोक बोले हैं उदार असर हुए थे कितने उदार लोग हैं ये मेरे पास आए हैं मेरा शरण ले रहे हैं लेकिन हम ही जानते हैं हम कितने उदार हैं आ, किस कैसे हम लोग हैं हमें से ज्यादातर लोग मैं सबका नहीं बोल सकता लेकिन एटलीस्ट मेरा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं भक्ति में क्यों आया आयु अगर हमको विचार करें ना तो हमको जीवन में दुख मिल रहा था कष्ट मिल रहा था इसलिए हम भगवान के पास आए कि हमारा दुख नष्ट हो जाए मेरा तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को सुख प्रदान करने के लिए या भगवान के साथ अपना जो होया हुआ संबंध वापस स्थापित करने के लिए हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था हमने भगवान के बारे में कभी केयर ही नहीं किया ये एक फैक्ट है अगर आप कभी विचार ये बस प्रवचन नहीं दे रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा हाँ सत्यनारायण की कथा नहीं है और जस्ट केवल ऐसा नहीं है कि बस दस पंद्रह मिनट प्रवचन देना आप विचार करिएगा कभी कि हम जो है हम अप, हमेशा अपने दुखों के और कष्ट के बारे में विचार करते हैं और अपने सभी सगे संबंधियों के को बोलते हैं अभी भगवान को भी वही चीज बोलते हैं लेकिन अगर आप में से कभी कोई भगवान के दुख के बारे में विचार करेगा ना तो आप अपने दुखों को भूल जाएंगे क्योंकि हमारा जो दुख है वैसे जीवन का और हमारा अपना बस दुख हम देखते हैं हमारा मुझे क्या दुख मिल रहा है हमको बस वो पता रहता है और केवल इसी जीवन का पता रहता है भगवान का जो दुख है हमारे जैसे जितने असंख्य जीवात्मा संसार में भटक रहे हैं केवल एक जन्म का नहीं ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो हम दुख पा रहे हैं वो दुख भगवान को दुखी करता है इसके ऊपर अगर विचार करेंगे तो स्वतः हमको प्रेरणा मिलेगा कि फिर हमारा दुख क्या है कुछ भी नहीं है हमको भगवान का सेवा करना चाहिए भगवान को समर्पण करना चाहिए और ऐसे परम भगवान जो इतना जिनका हृदय इतना विशाल है और थोड़ा सा भी कोई उनका नाम जब कर लेता है तो वो सोचते हैं कि आ, ये मुझे पुकारा है मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ और हमेशा अपने हृदय में उसको धारण कर लेते हैं इसलिए आदि पुराण में अर्जुन को भगवान ये वचन दिए हैं बोले हैं कि एक बार भी जो मेरा नाम ले लिया अर्जुन मैं उसको हमेशा अपने हृदय में रखता हूँ भले वो भक्त वो व्यक्ति जो है भटक जाए चला जाए लेकिन भगवान उसको छोड़ते नहीं कभी और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इसका प्रूफ है हम लोग खुद ही प्रूफ हैं हम सब जो भक्ति से जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं भगवान अरेंजमेंट करते हैं ऐसे अलग अलग तरीके से क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ किया है भगवान के लिए नाम जप किया या कुछ सेवा किया तो उसको भगवान कभी भूलते नहीं हैं और उसको हमेशा उसका उसके उसको बहाना लेकर के भगवान उद्धार करते हैं जब पूतना आई थी भगवान का वध करने के लिए तो भगवान आंखें बंद कर लिए तो आचार्य उसमें जो है अलग अलग प्रकार का व्याख्या देते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर लिया है पूतना का वध करते वक्त तो एक आचार्य बताते हैं ऐसे बहुत सारे सत्रह बीस ऐसे अलग अलग कारण बताते हैं तो एक कारण बताते हैं कि भगवान आंखें बंद कर लिए भगवान जब देखे कि तो पूतना है राक्षसी है और इस जन्म में तो इसने केवल और केवल पाप ही किया हत्या ही किया है छोटे छोटे बच्चों को केवल उनका मार के खून पीना ही कार्य किया है और मैं इसका उद्धार कैसे करूं तो भगवान आंख बंद किए उसके पिछले लाखों लाखों जन्मों में देख रहे थे कि कौन से जन्म में इसने कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ तो कार्य किया हो जिसका बहाना लेकर के मैं इसका उद्धार कर दू क्योंकि कोई फिर पूछेगा ना कि अरे ऐसा कैसे ये तो राक्षसी थी आपको भी मारने आई थी और पूरे इतने सारे पाप किए हैं आपने इसको बोलो वृंदावन कैसे भेज दिया तो भगवान को होना चाहिए प्रूफ ना कि देखो इसने ऐसा किया था एक लाख जन्म पहले ये इसका हिसाब है तो उसका फल मैं दिया हूं अभी <laughs> तो भगवान मौका तोड़ते हैं तो इसलिए आंख बंद करके सोच रहे थे विचार कर रहे थे ऐसा क्या इसने पुण्य किया होगा ऐसा क्या सेवा किया होगा तो भगवान का हृदय बहुत विशाल है भगवान की कृपा बहुत अद्भुत है इसमें हमको विचार करना चाहिए इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रमृत में बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य कृपा कर विचार विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार आ, कि अगर किसी को विचार करना है हाँ किसी के पास बुद्धि है बोलते हैं वो चैलेंज करते हैं कि अगर आपके पास बुद्धि है आप इतना लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो ना कि चैतन्य महाप्रु भगवान है बड़े दयालु हैं इतना कृपा किए हैं क्या प्रमाण है ये सब तो आपके पास बुद्धि है तो आप थोड़ा ये विचार करिए कि उनकी कृपा के ऊपर विचार करिए कि उन्होंने जो वस्तु दिया है वो वस्तु का मूल्य क्या है और जिन लोगों को दिया है उनको प्राप्त करने की क्या योग्यता है बस इतना ही थोड़ा विचार बुद्धि करके विचार करिए तो आपको समझ में आ जाएगा चीते ते पावे चमत्कार आप समझ ये तो वास्तव तो में, तो में योग्य नहीं है भगवान का कृपा प्राप्त करने का लेकिन भगवान हमारी योग्यता को बनाते हैं भगवान हमको योग्य भी बनाते हैं हाँ जैसे कोई अः बहुत ही धनी व्यक्ति है वो एक जगह पे जाके चौराहे में जा कर के भिखारी लोग को बोलता है कि आज मैं आप लोग को बहुत फीस खिलाना चाहता हूँ मेरे पास बीस पच्चीस आइटम है और भर भर के आप लोग ले सकते हैं आ जाओ तो सब लोग अपना अपना पात्र पतीला लेके आ जाते हैं लेकिन सबके पात्र पतीले जो हैं उसमें छेद है और ठीक ठाक नहीं है ऐसे ही है तो वो व्यक्ति सोचता अरे अब क्या किया जाए तो ऑर्डर देता ठीक है इनके लिए पात्र भी लेके आ जाए अच्छे अच्छे बर्तन ला दिया जाए बर्तन तो भी ला के देता है ले जाओ अब हमारी तो ऐसे उसको प्राप्त ग्रहण करने की योग्यता भी नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा यही है कि पहले वो योग्यता भी प्रदान करते हैं पात्रता भी प्रदान करते हैं और फिर उस वस्तु को भी फ्री में दान करते हैं तो

ंग ऑफ देंडर जामवन ने भगवान रामचंद्र को सेवा दिया था भगवान जो है अगले अवतार में भी भूले नहीं और उनको अपना क्या बना लिए ससुर बना लिए ससुर बनने का सौभाग्य मिल गया भगवान

तो वो कैसे कोई भी छोटा भी सेवा करता है तो कभी उसके सेवा को भूल नहीं सकते हैं उपकार उसका जो है भूल नहीं सकते हैं लाखों लाखों जन्म पहले भी अगर कुछ किया है तो उसको भगवान भूलते नहीं और ऐसे अनेकों प्रसंग है जहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ अपराध या पाप करने से बहुत भयानक सजा या जो है कर्ज शाप मिल जाता है लेकिन भगवान आते हैं उसका उद्धार करते हैं क्यों क्योंकि उसने कुछ भगवान का सेवा किया था इस प्रकार से भगवान के ही दिव्य गुण है तो आज हमने ये भगवान का ग्रेट फुलनेस कृतज्ञता के ऊपर चर्चा किया हरे कृष्ण आपसे किसी भक्त का कोई प्रश्न है